मेरे बार बार मना करने पर भी तुम मुझे दया की भीख देने आ जाती हो। मैं सुनाई नहीं देता एक बार कि मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना, नहीं देख रहा मुझे तुम्हारा चेहरा। तुमने किसी की दया की भीख नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं, और ना ही किसी का एहसान चाहिए। जी वो सबके लिए आइसक्रीम लाई थी तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। नहीं नहीं विद्या, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मेरे हिस्से की आइसक्रीम प्रियल को दे दो। पापा जी आप ठीक तो है ना? अरे ठीक क्यों नहीं होंगे, इन्हें किस बात की कमी है? क्या बच्चों की तरह आइसक्रीम खिला रही है इन्हें? ये तो पान खाएंगे। क्यों सही कहा ना? मुझे पान नहीं खाना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ विद्या जी, कल सवेरे मुझे याद दिलाना, मुझे जग्गी भाई और गोपी बहन को फोन करना है। सुना ना आपने, पापा जी आराम करना चाहते हैं, तो आप ही जाके सो जाइए। क्या हुआ गोपी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। समझ गई, जग्गी की इस हालत की वजह से केम गोपी, और ये बात तुम भी जानती हो, हम भी जानते हैं, पर हम सबको धैर्य से काम लेना होगा, और खास करके तुम्हें, क्योंकि ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम जग्गी की ताकत हो, और यदि तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर जग्गी को कैसे संभाल पाएंगे हम? थोड़ी देर आराम कर लो। गोपी जग्गी को लेकर बहुत दुखी है, और ऐसे में रमाकांत के बारे में मैं उसे बताकर और ज्यादा दुखी नहीं कर सकती। Thank you.
जानी रमाकांत जी अब कहाँ और किस हालत में होंगे। हे राम, जब से मेरी चाली से फोन आया है मेरे गले से तो ये जलेबी और फाफड़ा भी नहीं उतर रहे। क्या बात है उर्मिला बहन, फिर से कुछ टूट फूट गया क्या? अरे फूटी तो मेरी किस्मत है सोना, अभी अभी चाली से पड़ोसी का फोन आया था कि फिर से लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, लेकिन नानी सासुमा हम लोगों ने पिछले साल ही तो वाटर प्रूफिंग कराई थी, तो फिर? हाँ कराई थी। मुझे तो लगता है ये चाली वाले है ना मुझे परेशान करने के लिए अपनी दीवारों पे पानी छिड़कते होंगे। माफ कीजिएगा मामी जी, बीच में आपकी बात को काट रही हूँ, वो दरअसल जग्गी जी को नाश्ता देने का टाइम हो गया है तो मैं जाकर जग्गी जी को नाश्ता देकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक रहा, तू जा। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा ना, और नहीं तो क्या, जाना तो पड़ेगा ही ना, अगर नहीं जाऊंगी ना तो धरने पे बैठ जाएंगे। मामी जी आप कहे तो मैं हूँ आऊँ, सब कुछ जांच पर रख कर बता दूंगी कि क्या करना है। सच? जी मामी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। सीता संभल कर जाना। जी। बड़ी नेक दिल बच्ची है। प्यास के मारे गला सूख रहा। नहीं, उस भवानी का भरोसा नहीं, अगर उसने पानी में भी जहर मिला दिया तो नहीं। विद्या कहीं बाहर जा रही हो? विद्या सुनो। क्या हुआ? लगता है चली गई। मुझे क्या हुआ? डर लग रहा है। और ये बोतल हाथ में लिए क्या कर रही है तू? मैं वो क्या? अच्छा प्यास लगी है तो पी लेना पानी, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने इसमें भी जहर मिला दिया है? अगर मिलाया भी होगा तो पीते ही 5 मिनट में पता चल जाएगा। चल देखते, पी, पी ना। अरे पी ना। विद्या एक मिनट। क्या हुआ इमली, तुम हाफ क्यों रही हो? मुझे भी अपने साथ ही चलो ना, मुझे अकेले इस घर में नहीं रहना। अब देखो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकती हूँ, पर जब वहां सब पूछेंगे कि तुम कौन हो तो मैं क्या कहूंगी? एक्चुअली बात यह ना कि मैंने अभी तक मीरा दी के बारे में वहां किसी को कुछ बताया नहीं है। तुम्हारी और पापा जी की शादी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ ठीक है ना, तो तुम कह देना कि मैं तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हूँ और कुछ दिन तुम्हारे घर रहने आई, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। ठीक है चलो सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर जग्गी। सो हाउ आर यू नाउ? ठीक हूँ डॉक्टर। आज हम सेकंड लेवल की एक्सरसाइजेस करेंगे, पर आपको 100% एफर्ट देना होगा। हाँ डॉक्टर, तभी तो मैं आपके आने से भी पहले एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज बताई थी वो तो मुझसे हो ही नहीं रही। पता नहीं अब ये पैर ठीक होंगे भी या नहीं। एक दिन मैं गिव अप कर दिया। मिस्टर जग्गी, इंसान जिंदगी में हारता तभी है जब वो मन से हार मान लेता है। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव एंड फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। चलिए कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अगेन। चलिए ठीक है, करता हूँ। आज पहले हम लोग एंकल्स की मूवमेंट करेंगे, ठीक है? अपने एंकल्स को आपने रोटेशन में घुमाना है, ये देखिए ऐसे रोटेशन में घुमाना है।
दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, आप नीचे आने की कोशिश करिए। डॉक्टर साहब मुझसे नहीं हो गई। ये आपने क्या लगा रखा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा। मैं आपके मूड के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। आप बेड पे लेट जाइए। अपने पैर को 90 डिग्री पर बेंड करिए, इसको भी करिए। अब नीचे आने की कोशिश करिए, पैरों की मूवमेंट्स को साथ में लेके। कम ऑन। नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। फिर से वही नेगेटिव एटीट्यूड, मुझसे नहीं हो रहा। जग्गी जी, आपका ये नेगेटिव एटीट्यूड मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे और भी जगह पर जाना है। डॉक्टर, आपका काम है पेशेंट को प्रोत्साहन देना, और अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो जग्गी जी का मनोबल तो और टूट जाएगा। देखिए डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं जग्गी जी के भले के लिए ही कह रहे, पर उसका भी कोई तरीका होता है। आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे, पर आपको भी धीरज से काम लेना होगा। आई नो मिस मोदी, बट पेशेंट का ठीक होना उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पेशेंट अगर एफर्ट लगाएगा तो ही रिजल्ट आएगा, और जितना एफर्ट लगाएगा उस हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि इनको इच्छा ही नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। आप पेशेंट को समझा रहे या धमका रहे? ऐसे कैसे होगा डॉक्टर? लेकिन मिस गोपी, एनीवे कोई बात नहीं, शायद हमें ये सेशन यहीं पे बंद करना होगा, क्योंकि मुझे जग्गी जी के लिए एक ऐसे डॉक्टर चाहिए जो जग्गी जी को और उनके दुख को, उनके दर्द को समझ सके, ना ही उनके दर्द और दुख को बढ़ाए। ओके। जग्गी जी, वैसे डॉक्टर गलत नहीं कह रहे थे, भले ही उनका तरीका गलत था, पर वो आपकी मदद ही करना चाहते थे। जग्गी जी, आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना। बार बार इस तरह से निराश होकर हथियार डाल देने से तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप अखाड़े में अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देते थे, ठीक उसी तरह से आपको इस वक्त अपने आप को प्रोत्साहन देना होगा और थोड़ा एफर्ट करना होगा। बस मुझे किसी को प्रोत्साहन वोत्साहन नहीं देना, ना ही किसी और को, ना ही अपने आप को। और मुझे जो तकलीफ है वो मुझे मालूम है, तुम उसका इलाज नहीं कर सकते। पर अच्छा किया कि तुमने डॉक्टर को भगा दिया। और हाँ, किसी और डॉक्टर को बुला के मुझ पे एहसान मत करना। जग्गी जी, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। मैं बहुत जल्द एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ कर लाऊंगी, और ये मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।